नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के सेवक तो है ही, इसके साथ ही वो सन्यासी भी है। उनके कई रूप हैं, जैसे जनता के सामने वो एक अच्छे सीएम के रूप में हमेशा हाजिर रहते हैं, तो वही दूसरी तरफ वो अपने सन्यासी होने का भी धर्म निभाते हैं। राजनीति में हमेशा देखा जाता है कि किसी बड़े नेता का परिवार ऐशो आराम में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ बात सीएम योगी की करें तो उनके परिवार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उनका परिवार काफी साधारण तरीके से रहता है। यही कारण है कि अपने परिवार के बारे में बात करते हुए हमेशा सीएम योगी भावुक हो जाते हैं। ऐसे ही एक किस्सा सीएम योगी ने सुनाया था जो आजकल काफी चर्चा में है। दरअसल सीएम योगी आपकी अदालत में पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल हुआ कि जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, आपने अपने सर मुंडवा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, तो बहुत रोए होंगे आपको देखकर। इसका जवाब सीएम योगी ने दिया। सबसे पहले तो उनके बारे में बात करते हुए सीएम योगी काफी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरे पिता को जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं किसी को बताया ही नहीं था, तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उन्हें कहीं से मेरे बारे में जानकारी मिली। आगे सीएम योगी कहते हैं, तो मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। उस वक्त मैं मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था, तो मेरी नजर उन पर अचानक पड़ी, तो मुझे लगा इस भेष में मैं कैसे उनके सामने जाऊं। आगे सीएम योगी कहते हैं, लेकिन जाना था, उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें बैठाया। आगे फिर सीएम योगी ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने जब अपने गुरुदेव को अपने पिता के आने की खबर बताई तब क्या हुआ। सीएम योगी कहते हैं, मैंने अपने पूज्य गुरुदेव को अपने पिता के आने की सूचना दी। मेरे गुरुदेव के मन में ये बात आई कि कहीं मैं अपने पिता के साथ वापस ना चला जाऊं। आगे सीएम योगी कहते हैं, तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा, मैंने तो संन्यास ले लिया है, तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूं। इसके बाद सीएम योगी ने यह भी बताया कि उस वक्त के दौरान भी उनके पिता ने उनका साथ दिया और उनके निर्णय का सहयोग करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। सीएम योगी की इस बात को सुनकर तालियां बजने लगती है। बात की जाए सीएम योगी के पिता की, तो योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, जिनका निधन 2020 में कोरोना काल के वक्त हुआ था। उस वक्त भी सीएम योगी ने अपने काम को आगे रखा। उस वक्त सीएम योगी सरकारी आवास पर कोविड-19 की टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। उनके करीबी बबलू राय ने उन्हें एक पर्ची थमाई और खड़े हो गए। पर्ची पढ़ने के बाद योगी ने करीब एक मिनट तक किसी से फोन पर बात की और बैठक के बाद दोबारा बात करने का आश्वासन देकर फोन काट दिया। इस दौरान उनकी आंखें नम हो चुकी थी। ये देख सभी को अंदाजा लग चुका था कि शायद सीएम योगी के पिता का निधन हो गया है। इतना ही नहीं, देश उस वक्त संकट में था, इसलिए अपने सीएम होने के कर्तव्य के कारण वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे। इस पर सीएम योगी ने कहा था कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका। तो कुछ इस तरह से सीएम योगी ने अपने पिता की कहानी सुनाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।